आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक्सप्लेन विथ प्रोग्राम, हम प्रोग्राम बना के आपको बताएंगे कि स्ट्रक्चर का प्रोग्राम कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव एंड डिराइव्ड डेटा टाइप। स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जो कि प्रिमिटिव एंड डिराइव डेटा टाइप के हेल्प से बना होता है। प्रिमिटिव मतलब प्री डिफाइंड, जो पहले से ही डिफाइन किया जा चुका है। और ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है क्योंकि यूज़र अपने प्रोग्राम में डिफाइन करता है स्ट्रक्ट कीवर्ड लिख के, इसीलिए इसे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इट कैन स्टोर मोर देन वन वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। ये अलग अलग डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर करता है, एक से ज़्यादा वैल्यू को, ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन, अलग अलग मेमोरी लोकेशन में अलग अलग डेटा टाइप के वैल्यू को ये स्टोर करता है स्ट्रक्चर। लेकिन हमने यूनियन में आपको बताया था कि यूनियन में सेम मेमोरी लोकेशन में वैल्यू स्टोर होती है, लेकिन स्ट्रक्चर में सारे डेटा टाइप जितने भी होते हैं वो सब अलग अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसका नाम स्टू लिखा है हमने। उसके अंदर हमने तीन डेटा टाइप बनाया है, इंट, कैर, फ्लोट, और स्ट्रक्चर को हमेशा सेमी कॉलन से बंद करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि ये कैसे डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में पॉइंट कर रहा है। तो सबसे पहले ये इंट के लिए हमने एक ब्लॉक बनाया, फिर हम कैर के लिए ब्लॉक बनाएंगे इसी तरह। तो ये हमारा कैर वाला ब्लॉक हुआ, और फ्लोट के लिए हम एक अलग ब्लॉक बनाएंगे। तो ये जो तीनों डेटा टाइप है ये अलग अलग ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। तो इंट वाला जो डेटा टाइप है 2 byte मेमोरी स्पेस लेगा, कैर 1 byte मेमोरी स्पेस लेगा, और फ्लोट डेटा टाइप 4 byte मेमोरी स्पेस लेगा। तो ये तीनों डेटा टाइप अलग अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं और अलग अलग वैल्यू को असाइन किए हुए हैं। थर्ड पॉइंट हो गया हमारा, द साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज सम ऑफ इट्स ऑल डेटा मेंबर साइज। स्ट्रक्चर का साइज होता है उसके सारे डेटा मेंबर के समेशन के साइज के बराबर। तो यहाँ पे इंट का साइज 2 byte, कैर का 1 byte और फ्लोट का 4 byte है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर का अगर हम साइज चेक करेंगे प्रोग्राम में तो 7 byte हमें प्रिंट में मिलेगी। मैं इसका आपको प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा अभी इसी वीडियो में। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा, द मिनिमम साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज 1 byte। स्ट्रक्चर का मिनिमम साइज 1 byte होता है क्योंकि सबसे कम बाइट का साइज वाला डेटा टाइप होता है कैर। अगर हम इंट और फ्लोट को कमेंट कर दें यहाँ पे और फिर स्ट्रक्चर का साइज प्रिंट कराएंगे तो हमें 1 byte प्रिंट में मिलेगी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, द स्ट्रक्चर इज डिक्लेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रक्ट कीवर्ड। हमने जब स्ट्रक्चर बनाया था स्टू नाम का, तो स्ट्रक्ट कीवर्ड हमने यूज किया था। तो ये स्ट्रक्ट कीवर्ड पहले ही प्री डिफाइन किया जा चुका है, लेकिन यूज़र इसे डिक्लेयर करता है अपने प्रोग्राम में, इसीलिए इसे यूज़र डिफाइन कहते हैं। और स्ट्रक्चर जब भी एंड होता है ये सेमी कोलन से एंड होता है, यानी स्ट्रक्चर का प्रोग्राम जब भी स्ट्रक्चर की बॉडी हम बंद करते हैं तो हम सेमी कोलन देते हैं। तो ये था हमारा डेफिनेशन व्हाट इज स्ट्रक्चर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलिए हम स्ट्रक्चर का प्रोग्राम देख लेते हैं। तो प्रोग्राम में हमने सबसे पहले हेडर फाइल लिखा है, हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज़ इंक्लूड कुनाहा डॉट एच। देन हमने सेम स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो आपको हमने एग्जांपल में बताया था। स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा है, स्टू नाम का हमारा स्ट्रक्चर का नेम है, और हमने तीन डेटा टाइप बनाया है, इंट, कैर, फ्लोट, और तीनों में ए बी सी तीन वेरिएबल असाइन किए हैं, लिए हैं तीनों डेटा टाइप के लिए। तो यहाँ पे इंट का साइज होगा 2 byte, तो मैंने कमेंट में लिख दिया है, और कैर का साइज होगा 1 byte, और इसी तरह हमारा फ्लोट का साइज होगा 4 byte। किसी किसी कंपाइलर में इंट का साइज 4 byte भी देता है, तो ये डिपेंडिंग अपॉन कंपाइलर। अगर आप टर्बो में कर रहे हैं तो आपको इंट का साइज 2 byte, फ्लोट का 4 byte और कैर का 1 byte मिलेगा। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर की बॉडी। हमने स्ट्रक्चर को सेमी कोलन से बंद किया है क्योंकि हमने लास्ट वाले पॉइंट में आपको बताया एवरी स्ट्रक्चर एंड्स विद सेमी कोलन। देन हमने वॉइड मेन फंक्शन लिखा है, उस वॉइड मेन फंक्शन के अंदर हम स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर का नेम लिखेंगे और एक स्ट्रक्चर वेरिएबल, एस नाम का वेरिएबल हमने ले लिया, ये स्ट्रक्चर वेरिएबल है।
तो अगर हमें स्ट्रक्चर का साइज जानना है तो हमें इसी वेरिएबल को प्रिंट करना पड़ेगा। तो हमने प्रोग्राम में clrscr फंक्शन लिखा है जो हमारे कंसोल को क्लियर करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के साइज को प्रिंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ, मैक्सिमम साइज ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर का टोटल साइज क्या होगा जब हम प्रिंट कराएंगे। तो स्ट्रक्चर का साइज प्रिंट कराने के लिए एक ऑपरेटर है जिसे हम साइज ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइज ऑफ, और उस साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर मैं एस लिख देता हूँ, क्योंकि एस एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है जो कि स्टू नाम के स्ट्रक्चर का है। ये तीनों डेटा टाइप को कवर करेगा। तो यहाँ पे जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये हमें 7 byte आउटपुट में देगा। तो एस नाम का जो वेरिएबल है इसे हमने साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर लिख दिया है और इसी को हमने प्रिंट करा दिया। तो अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमें इंट के लिए 2 byte, कैर के लिए 1 byte और फ्लोट के लिए 4 byte, अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमें 7 byte स्ट्रक्चर की साइज प्रिंट में मिलनी चाहिए। तो हमें 7 byte स्ट्रक्चर की साइज प्रिंट में मिल गई। तो हमने सेकेंड पॉइंट में आपको बताया था कि मिनिमम साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज 1 byte। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट और इंट को हटा देता हूँ, क्योंकि कैर ही एक डेटा टाइप है जिसका साइज 1 byte होता है और स्ट्रक्चर में आपको एटलीस्ट 1 डेटा टाइप तो लेना ही पड़ेगा। तो अभी कैर वाला डेटा टाइप है हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, तो मैं यहाँ पे मिनिमम लिख देता हूँ। और जब हम इस कोड को अब एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमें 1 byte प्रिंट में मिलेगी। यही होता है स्ट्रक्चर की मिनिमम साइज। तो हमने आपको प्रोग्राम में बताया कि स्ट्रक्चर का साइज कितना होता है, सम ऑफ इट्स ऑल डेटा मेंबर इज कॉल्ड स्ट्रक्चर साइज, और मिनिमम साइज मिनिमम साइज वाला डेटा टाइप। अब मैं इस बताता हूँ कि कैसे स्ट्रक्चर में हम वैल्यू असाइन करके उसे प्रिंट करा सकते हैं। तो वैल्यू असाइन करने के लिए आपको स्ट्रक्चर वेरिएबल का नेम और डॉट ऑपरेटर के साथ बी नाम के वेरिएबल को लिखना पड़ेगा। तो मैं 65 असाइन किया हूँ और प्रिंट किया तो हमें कैपिटल ए मिला, क्योंकि कैपिटल ए का ASCII कोड होता है 65। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर का प्रोग्राम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए, क्योंकि पेज में मैं हर वीक C एंड C++ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ।